जय भीम दोस्तों, मैं राजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मणवादी लोग जो रिसर्च की जाती है, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अलग अलग खोजें लगातार जारी रहती हैं। इसी तरह की एक खोज पिछले दशक में हुई थी, जहां पर ये चीज साबित हो गई थी, जेनेटिकली प्रूव हो गया था, डीएनए के माध्यम से ये साबित कर दिया गया था कि भारत में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डीएनए यूरेशियन लोगों के डीएनए से मेल खाता है। पर इस खोज में, इस रिसर्च में जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो किस तरीके से इसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इस चीज का आज मैं आपके सामने प्रूव रखूंगा। मेरे पास जो प्रूव है वो सिर्फ जेनेटिक रिसर्च के रिगार्डिंग है, किस तरीके से वो इस रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस रिसर्च में अपने हिसाब से कुछ चीजें जुड़वाते हैं या उनको सूट करने वाली चीजों को जुड़वाते हैं। इस प्रूफ का उदाहरण लेकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी की जितनी भी रिसर्चेज होती हैं, जितनी खोज होती हैं, उनको किस तरीके से ब्राह्मणवादी लोग इन्फ्लुएंस करते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है बहुजन साहित्य के यूनिवर्स को और एक्सपांड करने के लिए, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितना चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आज की चर्चा में हम इस किताब का सहारा लेंगे। इस किताब का नाम है आरंभिक भारतीय। ये किताब टोनी जोसेफसन ने लिखी है। इस किताब को आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में आपको इस किताब का नाम मिलेगा अर्ली इंडियंस। इस किताब का रिव्यू अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। टोनी जोसेफ अपनी इस किताब में उस रिसर्चर का हवाला देते हुए लिखते हैं, उस रिसर्चर द्वारा लिखी गई किताब का हवाला देते हुए लिखते हैं। राय के एक रिसर्चर हैं और जेनेटिक रिसर्च जब हुई थी उसमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। 2018 में उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित की। उस किताब का नाम था हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। उसमें वो लिखते हैं, मेरे वैज्ञानिक करियर के सबसे ज्यादा तनावपूर्ण 24 घंटे अक्टूबर 2008 में उस वक्त आए जब मेरे सहयोगी निक पैटरसन और मैं शुरुआती नतीजों पर सिंह और थंगराज के साथ चर्चा करने के लिए हैदराबाद की यात्रा पर गए। 28 अक्टूबर की हमारी बैठक चुनौतीपूर्ण थी। सिंह और थंगराज इस पूरी परियोजना को ही नकारते लग रहे थे। बैठक के पहले हमने उनको अपनी उन खोजों का सार संक्षेप दिखाया था, जो ये थी कि आज के हिंदुस्तानी एक दूसरे से अत्यंत भिन्न दो आबादियों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से एक पश्चिम यूरेशिया है और दूसरी आबादी प्रथम भारतीयों की है। सिंह और थंगराज ने इस परिकल्पना का विरोध किया, यानी कि दो तरह के डीएनए से मिलकर आज की जो भारत की जनसंख्या है उसका निर्माण हुआ है, जिसमें एक डीएनए है पश्चिम यूरेशियाई लोगों का और एक डीएनए है उन लोगों का जो यहाँ भारत में अफ्रीका से 65,000 साल पहले आए थे, जिनको हम प्रारंभिक भारतीय कहते हैं, और वही हम सभी के पुरखे हैं, मेरे और आपके। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि जो प्रारंभिक भारतीयों का डीएनए आज की तारीख में सबसे ज्यादा धारण करती हैं वो औरतें हैं, और वो कहाँ रहती हैं, कितनी उनकी जनसंख्या है, उसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज आप लोग वो वीडियो वॉच कीजिएगा। सिंह और थंगराज ने इस परिकल्पना का विरोध किया, क्योंकि उनका तर्क था कि इसका मतलब यह होगा कि पश्चिमी एशियाई लोग सामूहिक रूप से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। उन्होंने ठीक ही उस ओर इशारा किया था कि हमारे आंकड़े इस निष्कर्ष के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते। उन्होंने यह तर्क दिया कि संभव है कि निष्क्रमण किसी अन्य दिशा में हुआ हो, जैसे कि हिंदुस्तानी निकट पूर्व, नियर ईस्ट और यूरोप की ओर गए हों। लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसी किताब में ये चीज बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की गई है कि जो निष्क्रमण यानी कि लोगों का आवाजाही जो हुई थी वो अफ्रीका से होते हुए फिर अफगानिस्तान, ये वाला जो पूरा एरिया है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, और वहां से फिर वो भारत आते हैं और फिर भारत से फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो इस तरह का ये पूरा एक क्रम है। हमारी खोजों की सांस्कृतिक अनुगूंजें धीरे धीरे हमें स्पष्ट हुई, इसलिए हम एक ऐसी परिकल्पना की टोह लेने की ओर बढ़े
जो वैज्ञानिक रूप से सटीक भी होती और इन चिंताओं के प्रति संवेदनशील भी होती। अगले दिन पूरा ग्रुप सिंह के ऑफिस में एक बार फिर से एकत्र हुआ। हमने साथ बैठकर प्राचीन भारतीय समूह के लिए एक नया नाम खोजा। हमने लिखा कि आज के हिंदुस्तान के लोग परस्पर अत्यंत भिन्न दो आबादियों के मिश्रण का नतीजा है, पैतृक उत्तर भारतीय एंस्ट्रल नॉर्थ इंडियन ANI और पैतृक दक्षिण भारतीय एंस्ट्रल साउथ इंडियन ASI, जो आपस में मिश्रित होने से पहले एक दूसरे से उतने ही अलग थे जितने आज यूरोपीय और पूर्वी एशियाई है। ANI यूरोपियो, मध्य एशियाई, निकट पूर्वियों और कॉन्केसस के लोगों से संबंधित है, लेकिन हमने उनकी मातृभूमि की स्थिति या किसी निष्क्रमण के बारे में कोई दावा नहीं किया। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर इन्होंने झोल कहाँ किया। जो मिस्टर राइक हैं, उनकी जो शुरुआती खोज है उसमें वो ये पाते हैं कि दो DNA है, एक प्रारंभिक भारतीयों का और एक यूरेशियन लोगों का। लेकिन जो थंगराज हैं और मिस्टर सिंह हैं, उनको ये गवारा नहीं है, क्योंकि उनकी तो पूरी आधारभूत शिला ही हिल जाएगी अगर ये साबित हो जाए जेनेटिकली DNA के आधार पर कि जो आज की डेट के जो यहाँ का जो स्वर्ण तबका है जिसके अंदर यूरेशियन लोगों का DNA अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि ये लोग बाहर से आए हैं। और जब ये लोग बाहर से आए हैं तो फिर यहाँ पर वो जो इतनी लंबी लंबी गपोड़ कथाएं गाते रहते हैं कि इतने साल पुरानी रामायण है, इतने साल पुरानी महाभारत है, वेद इतने साल पुराने हैं, वो तो पूरी की पूरी थ्योरी उनकी नेस्तो नाबूद हो जाएगी, तो ये कैसे गवारा हो सकता है इन लोगों को। उसके बाद फिर उन्होंने उन्हीं दो DNA को नए नाम दे दिए। DNA वही है, यानी कि अगर कोई डिटेल में स्टडी करे इसको तो DNA तो वही है, लेकिन उसके नाम बदल दिए उन्होंने। और नाम क्या रखा, एक का नाम रखा पैतृक उत्तर भारतीय, जो कि यूरेशियन जो DNA था उसका नाम इन्होंने रखा पैतृक उत्तर भारतीय, और जो यहाँ के प्रारंभिक भारतीयों का DNA था उसका नाम इन्होंने रखा पैतृक दक्षिण भारतीय, और यहाँ पर पूरा का पूरा झोल कर दिया। अब इस झोल के बाद यहाँ की जो मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो किस तरीके से इस चीज को लपकती है, किस तरीके से इसको अपने हिसाब से व्याख्यायित करने का एक मौका लोगों को मिल जाता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बताता हूँ। जो टोनी जोसेफ सर है वो यहाँ पर लिखते हैं, अनुसंधान के मुताबिक ASI प्रथम भारतीयों के वंशज थे। ASI कौन है? पैतृक दक्षिण भारतीय। सार रूप में बजाय ये कहने की आज के हिंदुस्तानी प्रथम भारतीयों तथा पश्चिमी यूरेशिया से संबंधित आबादियों दोनों के वंशज हैं, जैसा कि शोध से संकेत किया गया था, प्रकाशित आलेख ने सिद्धांतिक रूप से गढ़े गए दो नए समूहों की रचना की और कहा कि आज के हिंदुस्तानी ANI तथा ASI नामक आपस में अत्यंत भिन्न दो समूह का मिश्रण है। जो डिटेल में नहीं पढ़ता उसको यहाँ पर उन लोगों ने भ्रमित कर दिया, और डिटेल में तो कौन ही पढ़ता है, मतलब कौन जाके पढ़ता है डिटेल में। एक पोस्ट कर दी जाए तो 100 अक्षरों की एक पोस्ट कोई नहीं पढ़ता, बाकी तो किताबें पढ़ने की तो बात ही अलग है, और थीसिस पढ़ने की तो बात ही अलग है, रिसर्च पेपर पढ़ने की तो बात ही अलग है। प्रकाशित आलेख ने सैद्धांतिक रूप से गढ़े गए दो समूह की रचना की और कहा कि आज के हिंदुस्तानी ANI तथा ASI नामक आपस में अत्यंत भिन्न दो समूह का मिश्रण है, जिनमें ANI पश्चिमी यूरेशियाओं से करीबी रिश्ता रखते हैं, दक्षिण एशिया की आबादी की संरचना को समझने और राजनीतिक विवाद को टालने के लिए यह एक ऐसी रूपरेखा थी। जो राजनीतिक विवाद जो है, क्योंकि अगर ये खोज अपने मूल रूप में ही आती तो उससे जो राजनीतिक हलचल मचती वो बहुत ही बड़े पैमाने पर मचती। हालांकि उसके बाद बामसेफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से उठाया है। दक्षिण एशिया की आबादी की संरचना को समझने और राजनीतिक विवाद को टालने के लिए यह एक ऐसी रूपरेखा थी जिसका वैज्ञानिक ढंग से बचाव किया जा सकता था, लेकिन इस समझौते की कीमत यह थी कि इसने इस अनुसंधान की गलत व्याख्या को आसान बना दिया। उदाहरण के लिए, इसने समाचार माध्यमों से एक बचकानी और छद्म व्याख्या के लिए गुंजाइश छोड़ दी कि ANI हिंदुस्तान का एक समरूप और अत्यंत प्राचीन आबादी समूह है, ASI की तरह, जो यहाँ 10,000 सालों पहले आकर बस गया था। यह स्थिति इसके बावजूद बनी कि इस अनुसंधान में स्पष्ट तौर पर कहा था कि ANI बाहर से आए बहुत से प्रवासियों के परिणाम स्वरूप हुआ एक मिशन हो सकता है और यह कोई समरूप समूह नहीं भी हो सकता है, और इस तरह यह चीज इस संभावना को कायम रखती है कि इनमें से कुछ बाहरी लोग पिछले 4,000 साल के भीतर भी
आए हो सकते हैं। इस निरूपण के साथ भी इस आलेख ने हिंदुस्तान की आबादी के निर्माण के बारे में हमारी समझ में इजाफा किया, क्योंकि यह प्रथम भारतीयों के वंशजों तथा उन दूसरे आबादी समूह के बीच हुए मिश्रण के जेनेटिक साक्ष्य उपलब्ध कराता था, जो आबादी समूह आज के समय में पश्चिमी एशिया, यूरोप, कोकेसस और मध्य एशिया की आबादियों से करीबी रिश्ता रखते थे। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वो मैंने आपके साथ साझा की। आप इस रिसर्च में जो छेड़खानी करवाई गई ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा, उससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर जो खोजें होती हैं उनमें किस तरीके से कारस्तानी की जाती है, किस तरीके से वैदिक परंपरा को घुसेड़ा जाता है, कथित वैदिक परंपरा जिसका कोई आज तक निशान नहीं मिला, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला, एक ईंट तक नहीं मिली। इसी तरह इन्होंने बागपत की सुनौली की जो साइट थी उसको वैदिक परंपरा से जोड़ दिया। उसी सीरीज को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक स्कॉलर बोलते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी तरीके से 99% वैदिक परंपरा की सभ्यता है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर साक्ष्यों के साथ आपसे बात करूंगा, हवाबाजी तो मैं करता नहीं हूं, ये चीज आप लोग जानते ही हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों के कुछ तो दिमाग से पर्दे हटे होंगे, कुछ तो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। क्या समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप लोगों के कमेंट करने से या लाइक करने से मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं बन जाऊंगा भाई, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, मुझे केवल उससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, मेरी जो बात मैं कर रहा हूँ उससे कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।